सूची में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। लुधियाना के हैबुवाल में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर आए हुए श्रद्धालुओं ने कुछ देर मेडिटेशन कर मानसिक शांति प्राप्त की। मंदिर में पूजा के लिए पहुंची सत्य साई धाम की संस्थापक चिंकी गांधी ने लोगों को सबसे पहले एक दूसरे के साथ प्यार से रहने का संदेश दिया। भगवान गणेश जी हैं, उनके ही नाम से हर कार्य शुरू किया जाता है, लेकिन मुझे आज यहाँ आकर वाकई गणेश जी के साक्षात दर्शन हुए और बहुत अच्छा लगा। यहाँ आकर रविनंदन जी ने, आशु जी ने यहाँ मुझे बुलाया, बहुत यहाँ इतना सुकून मिला है कि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ आकर हर इंसान को माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए और नेक रास्ते पे चलना चाहिए। हर इंसान को इंसान के साथ प्यार करना चाहिए। मंदिर के मुख्य प्रबंधक रविनंदन शर्मा ने भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। की तरफ से आज मासिक श्री गणेश चतुर्थी के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों ने भाग लिया और देवव्रत जग्गी जी, सिद्धांत मल्होत्रा आर्ट ऑफ लिविंग के स्टूडेंट, जिन्होंने बहुत ही सुंदर भाव से भगवान गणपति जी का गुणगान किया और सभी भक्तों ने आज के पावन गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणपति के चरणों की सेवा का आशीर्वाद संकल्प लिया। पेश है लुधियाना के सिद्धि विनायक मंदिर से सांझ टीवी की खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया ब्राह्मण सभा का सेक्रेटरी और मेरे ऑल इंडिया ब्राह्मण सभा से प्रधान जी जो नरेंद्र दत्ता जी, आज रविनंदन शर्मा जी ने सिद्धि विनायक मंदिर में हमें निमंत्रण दिया ऑल इंडिया ब्राह्मण सभा को। हमारे सारे सदस्यगण यहाँ पर पहुँचे, ब्राह्मण परिवार पहुँचा और हम इनको निमंत्रण देने आए हैं। श्री परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी भाई बंधुओं को निमंत्रण देना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि श्री परशुराम जयंती हम ब्राह्मण परिवार, एक ही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह श्री परशुराम जी ने ब्राह्मण परिवार के लिए एकत्र करके हमें शिक्षा दी है, उन रास्तों पर हमें चलना चाहिए और श्री श्री सिद्धि विनायक भगवान श्री गणेश जी की कृपा के द्वारा हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। हम उनके चरणों में सदा इसी प्रकार लगे रहें, तन मन धन की बुद्धि प्राप्त होए, सत बुद्धि हमें प्राप्त होए। जय श्री गणेश। जय। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सांझ टीवी, और हाँ, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। सांझ टीवी, सबसे आगे सबसे पहले, बने रहिए हमारे साथ पल पल की खबरों के लिए।